यार व्यूअर बनेगी रितु कश्यप तेरे से सामान तो इना टेढ़ा हो रहा है आई थिंक देयर इज सम ग्लिच इन माय प्रोडक्ट आयुर्वेदा या जो फॉरेस्ट एसेंशियल के आते हैं उससे बेटर ये वाला है ये ट्राई करो यू विल लव इट देखो ओरिजिनल तो नहीं है बिकॉज 700-800 में ओरिजिनल वाला नहीं आता बट ये ओरिजिनल की जैसा ही वर्क करता है बिकॉज द क्वालिटी ऑफ दिस वन इज रियली नाइस. Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. After a really long time, I'm doing a sit and talk video and yeah, life काफी ज़्यादा इस time messed up चल रही है because of shifting and everything. But yeah, I'll be back on track. So जो भी लोग मेरी sit and talk videos miss कर रहे हैं, I'm really sorry. I'm trying my best कि मैं balance out करूँ. List of products बनाते हैं जो मेरे इस time favorite चल रहे हैं. So अगर आपकी भी oily acne prone skin है, तो ये video आपके काफी ज़्यादा काम आने वाली है. मैं skin care, makeup hacks काफी सारे share करने वाली हूँ. So without any further ado, let's get started. Let's start with skincare category first. So summers का सबसे बड़ा issue होता है oiliness. Obviously गर्मियों में skin oily तो होती है लेकिन मेरी जैसी oily skin हो तो बिल्कुल तेल की खान बन जाती है. I'm sure बहुत लड़कियों को issue है. Summers में skin excessively oily हो जाती है. So मेरा जो main concern होता है summers में skincare category में कि मैं oiliness को control करूँ but at the same time मुझे acne है, acne के marks रहते हैं तो मुझे उसके साथ भी deal करना है. So one serum that I swear by right now is this particular one. यह Pink Foundry का super clarifying face serum. It has 12% niacin and 3% fat solution. So if I talk about niacinamide, मैंने बहुत बारी ingredient की बात करी है. मैंने I think multiple videos में बताया हुआ है. This ingredient is just amazing for oily skin, but at the same time acne marks as well. So niacinamide क्या करता है? एक तो oil control करता है. जो भी excessively pores हमारे open up होते हैं, oil secrete होता है, उसको तो control करता ही है. And at the same time ये जो acne marks होते हैं, उसे beautifully deal करता है. Not just niacinamide, इसमें 3% fat solution है, which is basically a glycinated derivative of एजेलिक एसिड. सो एजेलिक एसिड भी सीबम प्रोडक्शन को कम करता है. जो भी अपीयरेंस होती है ब्लेमिशेस की, डार्क स्पॉट्स की, उसको हील होने में हेल्प करता है. एजेलिक एसिड काफी अच्छा इंग्रेडिएंट है. अगर आप क्विकली चाहते हो आपके डार्क स्पॉट्स फेड हो, सो एजेलिक एसिड इज रियली नाइस इन दैट केस. प्लस इसमें आपको लिक्विश एक्सट्रैक्ट्स मिलते हैं जो अगेन ब्राइटन करते हैं स्किन को. ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट मिलते हैं जो एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं. सो ओवरऑल दिस इज लाइक अ परफेक्ट सीरम फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन. क्योंकि सेंसिटिव स्किन है तो आप ये सीरम तभी भी यूज कर सकते हो बिकॉज इसमें कोई भी एडेड फ्रेग्रेंस नहीं है जो आपकी स्किन को सेंसिटाइज करे. आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने 10% नायसिनामाइड तो यूज किया हुआ है बट आई वाज स्लाइटली डाउटफुल अबाउट दिस वन बिकॉज इसमें 12% नायसिनामाइड है. सो मुझे लगा इसकी डोसेज थोड़ी सी हाई होगी, स्किन पे सेंसिटिविटी हो सकती है, बट ऐसा नहीं है. 99% प्योर नायसिनामाइड है विच इज बेसिकली फ्री फ्रॉम ऑल दोज इम्प्योरिटीज. सो ये काफी सेफ है स्किन के लिए. सो इवन इफ यू आर न्यू टू नायसिनामाइड या फिर आपकी स्किन अल्ट्रा सेंसिटिव है, ये आपको तभी भी सूट कर जाएगा. बेस्ट पार्ट इज ये डे एंड नाइट बोथ टाइम सूटेबल है. ऐसा नहीं है कि आप रात दिन में नहीं लगा सकते, आप उसको डे टाइम में भी लगा सकते हो. Just follow it up with a good moisturizer and sunscreen. Plus, आप इसको night time में भी लगा सकते हो. So the overall formulation is really nice. In case you're interested, मैं इसका भी link नीचे दे दूंगी. So description box check कर लेना. टॉक अबाउट मेकअप नाउ. सबसे बड़ा जो समर्स में क्वेश्चन आता है ना मेकअप कैटेगरी में, वो हमेशा यही होता है मेरे डीएम्स में कि फाउंडेशन बताओ ऑयली स्किन के लिए. सो ऑनेस्टली आजकल जो मैं सबसे ज्यादा यूज कर रही हूँ वो ये तो फाउंडेशन है. सबसे पहला है मेबेलिन फिट मी द ओजी फाउंडेशन. अगर आप कॉलेज गोइंग हो या फिर आपका बजट कम है, आई थिंक नायका की सेल पे आपको ये अंडर ₹500 मिल जाता है. इट्स अ स्टील डील. मेरा शेड है बाय द वे 128 वार्म न्यूड, जो काफी अच्छे से मुझे सूट करता है. रियली नाइस. ऑब्वियसली ज्यादा चिपचिप फील नहीं होता, मतलब इसका बहुत अच्छा एक मैट इफेक्ट है और ये कवरेज भी बहुत अच्छी देता है. अगर आपको बीबी क्रीम एंड ऑल से कोई अच्छी कवरेज नहीं मिल रही, आप अपने रेगुलर मॉइस्चराइजर में इसके दो पंप भी मिक्स करके लगा लोगे ना, आपको बहुत अच्छी कवरेज मिलेगी. आपको अननेसेसरी अलग से बीबी क्रीम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो ये तो हो गया रेगुलर बेसिस वाला फाउंडेशन. लेकिन जब कहीं अच्छे ओकेजन पे जाना है, ऑब्वियसली पार्टीज में जाना होता है, फ्लैश फोटोग्राफी वाला एक मेकअप होता है ना जो थोड़ा सा हैवी करना होता है सो दैट आप पिक्चर्स आपकी अच्छी आए, सो उसके लिए मैं ये प्रेफर करती हूँ. ये भी समर्स के लिए बहुत अच्छा फाउंडेशन है. यह फॉरएवर 52 का अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन. ये मैंने अभी रिसेंटली काफी सारी अपनी वीडियोस में इसकी बात करी हुई है. इट्स अ वेरी नाइस फाउंडेशन. ये एक तरह से एक मेकअप आर्टिस्ट लेवल का फाउंडेशन है जो आपको बजट में मिल जाता है. आई थिंक ₹100,000 होता है. अमेजोन या नायका पे आपको मिल जाएगा. ये मेरे हाइप स्टोर पे भी है इन केस यू वांट टू बाय. मेरे हाइप स्टोर पे भी आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा, वहां से भी ले सकते हो. ये हल्का सा लाइट है, मतलब जैसे मेबेलिन 128 मुझे बहुत ब्यूटीफुली सूट होता है, लेकिन ये वाला जो संडे शेड है ये हल्का सा लाइट है. सो मैं इसको इसके साथ कभी कभी मिक्स कर लेती हूँ और फिर मेरा एक परफेक्ट शेड बन जाता है. बिकॉज ऑब्वियसली समर्स में मेकअप ना हल्का सा ऑक्सीडाइज
होता है, तो एक शेड अगर आप लाइटर लोगे ना तो बेटर रहेगा. सो दीज टू आर माई डेफिनेटली फेवरेट पिक इन समर्स. अगर आपकी भी ऑयली स्किन है, डू ट्राई आउट दीज. नेक्स्ट अप वी हैव अ मैजिकल टूल जिसको मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था ना, मैं एक्चुअल में शॉक हो गई थी. और मैंने ट्राई भी कैमरा पे किया था, आपने मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स या मैंने रिसेंटली अभी रील्स पे भी डाला, आपने देख ही ली होगी. उसमें मेरा जो रिएक्शन है ना वो ओवर एक्टिंग नहीं है, वो रियल रिएक्शन है. बिकॉज एक्चुअली में मतलब मैं शॉक हो गई थी कि वर्क करता है. थोड़ी बड़ा गिमिकी प्रोडक्ट होगा बट ऐसा नहीं है. सो ये मिलाग्रो का वॉल्केनिक रोल ऑन. सो बेसिकली क्या होता है, आप एक स्टोन होता है जिसको वॉल्केनिक स्टोन बोलते हैं, एंड इसको बेसिकली आपको रोल ओवर करना होता है अपनी स्किन पे. सो मैंने तो अभी फ्रेशली अप्लाई किया मेकअप, लेकिन मैं वो रील या फिर शॉर्ट्स का लिंक नीचे डाल दूंगी या फिर यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी. मैंने ये जब वीडियो शूट करी थी ना, ये जो मेकअप था ये 6 या 7 घंटे बाद का एक मतलब अप्लाई करने के 6-7 घंटे बाद मेरी स्किन की कंडीशन थी, बहुत ज़्यादा ऑयल निकल रहा था. सो मैंने तब ये शूट किया था एंड एक्चुअली मैटिफाइड माई स्किन. मतलब यहाँ से जो भी एक्सेसिव ऑयलीनेस थी वो निकल गई थी. क्या करना होता है, बस ऐसे इसको रोल ओवर करना होता है ऑन योर स्किन लाइक दिस. सो ये जो भी एक्सेसिवली ग्रीसीनेस होती है, अभी तो ये हाईलाइटर है, ग्रीसीनेस नहीं है, बट जो स्वेट होता है उसको बेसिकली रिमूव कर देता है और आपका मेकअप इंटैक्ट रहता है. हमारा मेन कंसर्न तो यही होता है समर्स में कि मेकअप नहीं खराब होना चाहिए, लेकिन जो ऑयलीनेस है वो कम हो जाए. एंड द बेस्ट पार्ट इज हाइजीनिक भी है, बिकॉज ऑब्वियसली मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, तो मैं एक रोलर ऐसे बार बार तो यूज नहीं करूंगी. सो बेसिकली क्या होता है, इसको आप यहां से ऐसे खोलोगे, ये बॉल ऐसे बाहर आ जाएगी, एंड देन यू कैन वॉश इट और फिर इसको आप वापस. तो मैं इतने घंटे लगाऊंगी तो, बट या आई थिंक आपको समझ ही आ गया होगा. फाइनली 10 घंटे बाद मेरे से जुड़ गया है. मैं उल्टा लगा रही थी डब में, बट या दिस इज हाउ इट वर्क्स. यूज करो, थोड़ा टाइम बाद वॉश करो, उसके बाद अपने बैग में डाल दो. रियली नाइस. काफी बार क्या होता है, बहुत ज्यादा ऑयली स्किन होती है, उसके ऊपर हम कॉम्पैक्ट यूज कर लेते हैं और वो मेकअप उसके ऊपर स्वेट और उसके ऊपर कॉम्पैक्ट, वो मेकअप और केकी हो जाता है. सो बेस्ट तरीका यही है, सबसे पहले इससे स्वेट को रिमूव कर लो, उसके बाद आप कोई भी अपना कॉम्पैक्ट लेके जस्ट डस्ट ऑफ कर लो. ऑल्सो आई हैव द मिलाग्रो पफ एज वेल, और ये भी समझ का एक एसेंशियल है. सो क्या होता है, नॉर्मल जो कॉम्पैक्ट होता है उसके अंदर बड़ा गंदी क्वालिटी का एक पफ आता है जो बहुत ज्यादा केकी कर देता है आपकी स्किन को. सो उससे बेटर है आप एक अच्छा ये वाला पफ खरीद लो, ये भी मिलाग्रो का बाय द वे. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये माइक्रो फाइबर का होता है. सो इससे आप क्या कर सकते हो, आपका जो भी कॉम्पैक्ट है, लाइक मेरे पास अभी लूज पाउडर है, मैंने खाली इसको ऐसे डिप किया एंड देन आई डिड इट लाइक दिस. सो इससे क्या होता है, आपका मेकअप दोबारा रिटच हो जाता है. लाइक कैन यू सी द डिफरेंस, ये और ये साइड में हल्का सा फर्क आया है, ये पूरी साइड मेरी मैटिफाई हो गई है. सो यार, रेगुलर कॉम्पैक्ट यूज़ करने से अच्छा आप एक पफ भी ले सकते हो. कैन जस्ट कीप इट इन योर बैग. पहले आप इसको अप्लाई कर लो अच्छे से, जस्ट रोल इट ओवर योर स्किन, इससे सारा जो एक्सेसिव ऑयलीनेस है वो हट जाएगी. उसके बाद आपने कोई भी कॉम्पैक्ट या फिर लूज पाउडर में इस पफ को डिप करके ऐसे डैब कर सकते हो एंड योर मेकअप विल बी सेट. सो अगर आप कोई लंबे फंक्शन के लिए जा रहे हो या फिर कोई आप गर्मियों की शादी अटेंड कर रहे हो, अभी भी मई जून जुलाई में शादियां हो रही है, सो बारात में तो नाचना ही होता है. सो अगर थोड़ा स्वेट कंट्रोल चाहिए, मेकअप इंटैक्ट चाहिए, ये ट्रिक काफी अच्छी है. माई नेक्स्ट समर फेवरेट इज एक्चुअली अ ब्रश. यस, अ ब्रश, ये भी काफी अच्छा है. सो ये है मेकअप रेवोल्यूशन, नहीं दिस इज, वट इज दिस ब्रांड, रियल टेक्निक्स. रियल टेक्निक्स का कॉपी वाला ब्रश सेट आपको अमेजोन में मिल जाएगा. नो दिस इज नॉट ओरिजिनल, जस्ट इन केस आप ये वाला ब्रश सेट ले रहे हो ये सोच के रियल टेक्निक्स का ओरिजिनल है. देखो ओरिजिनल तो नहीं है, बिकॉज 700-800 में ओरिजिनल वाला नहीं आता, बट ये ओरिजिनल के जैसा ही वर्क करता है बिकॉज द क्वालिटी ऑफ दिस वन इज रियली नाइस. मैंने अपने रिसेंट तो नहीं, 1-2 महीने पहले एक शॉर्ट्स डाली थी, मैंने उसमें दिखाया था. इसका पूरा पैक आता है, उसमें ये वाला ब्रश आता है, एक ये फाउंडेशन वाला ब्रश आता है, एंड देन यू हैव 2 ब्रशेज, एक हाईलाइटिंग के लिए और एक आई शेडो के लिए. ये सेट काफ़ी अच्छा, मैं नीचे लिंक कर दूंगी, आप डेफिनेटली ले सकते हो. बट ये वाला जो ब्रश है स्पेसिफिकली मुझे इतना अच्छा लगा. दिस इज माई फर्स्ट एवर फ्लफीएस्ट ब्रश. मतलब आप देख सकते हो कितना बड़ा है. मैं पहले सोचती थी यार इतना बड़ा ब्रश क्यों यूज़ करना है, बट अब मुझे समझ आया जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया. सो क्या है ना, एक तो ये फ्लफी बहुत है, प्लस ये एक्सेसिवली प्रोडक्ट को पिक करके एक जगह प्लेस नहीं करता. क्या होता है ना, हम काफ़ी बार जब ऐसा वाला ब्रश ले लेते हैं ना, आई शो यू अ डिफरेंस. मैंने ये वाला ब्रश लिया, मैंने इस वाले ब्रश से लूज कॉम्पैक्ट पिक किया, मैंने एक जगह अप्लाई किया, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे कलेक्ट हो जाता है एंड ऑब्वियसली काफ़ी बार केकी हो जाता है मेकअप, बहुत ज़्यादा ऐसे मडी मडी लगता है, केकी केकी लगता है. वेयर एज विद दिस वन काफ़ी अच्छे से क्या होता है, जस्ट डिप इट इनटू योर लूज पाउडर लाइक दिस, एक्सेस को आप डस्ट
ऑफ कर सकते हो एंड देन जस्ट अप्लाई इट ऑन योर फेस लाइक दिस. ये ट्रिक मैंने अपनी मेकअप क्लासेस में सीखी है. इससे क्या होता है, आपका जो पूरा फेस होता है वो मैटिफाई हो जाता है, अच्छे से सेट भी हो जाता है और कहीं से भी केकी नहीं लगता. आपका जो पहले एक जगह पैची पैची हो जाता है वो नहीं बनता. सो अगर आपको भी कंप्लेंट है कि लूज पाउडर फिर कॉम्पैक्ट यूज़ करते हैं आपका फेस पैची लगता है, तो आई वुड एडवाइज दिस वन. ये ब्रश से काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन होती है. इससे ब्लश भी काफ़ी अच्छा लगता है. मैं जब भी इससे ब्लश लगाती हूँ ना, बहुत एक नेचुरल फिनिश आती है. कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि एक जगह वो प्लेस हो गया. सो या फॉर ब्लश एप्लीकेशन एंड फॉर लूज पाउडर एप्लीकेशन ये वाला ब्रश काफ़ी अच्छा है. और ये ऑब्वियसली आपको सेट में मिलेगा, सो आप सेट में से ले सकते हो. इसका भी अमेजोन लिंक मैं नीचे दे दूंगी. माई नेक्स्ट समर फेवरेट इज दिस रोज वाटर. इसको तो मैं कॉन्स्टेंटली यूज़ कर रही हूँ, आई थिंक 1-1.5 weeks से, और मैंने ऑलमोस्ट ये यहाँ तक तो आ ही चुका है. वेरी 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 नाइस. एक तो बहुत रिफ्रेशिंग फील होता है. गर्मी में क्या होता है, ऑब्वियसली किचन के चक्कर लगते हैं. अब तो वैसे भी आई एम मैरिड, सो थोड़ा बहुत किचन में तो काम होता ही है. सो जैसे किचन में जाओ बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली स्वेटी फेस हो जाता है, गर्मी काफ़ी बार लगती है, फिर कहीं आप धूप से आते हो आपकी स्किन बर्न होती है, जलन फील होती है. द बेस्ट थिंग इज इसको फ्रिज में रखो, अपना फेस नॉर्मल फेस वॉश कर लो या फिर पानी से स्प्लैश करके एंड जस्ट स्प्रिट्स इट ओवर योर फेस. अभी मैंने मेकअप किया हुआ इसलिए मैं नहीं लगा रही, बट दिस इज वेरी वेरी रिफ्रेशिंग. एक तो उसका इतना फाइन मिस्ट आता है एंड इट इज एक्चुअली ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी. मतलब बहुत बार होता है कुछ कुछ रोज वाटर थोड़े बहुत स्टिंग करते हैं स्किन पर, लाइक हल्का फुल्का एक जलन फील होती है, बट इसके साथ वो केस नहीं है. काफ़ी अच्छी क्वालिटी का रोज वाटर है. बाय द वे द ब्रांड इज ड्रॉमिन एंड को एंड आई डोंट नो इन्होंने अपनी ब्रांड को यहाँ पर क्यों नहीं लिखा हुआ. मतलब ब्रांड का लोगो है बट ब्रांडिंग जो ब्रांड नेम है वो यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं है. इसका नाम है रोज़ वाटर फेस मिस्ट. ये 100% प्योर डिस्टिल्ड रोज़ वाटर से बना है. ये मुझे हाइप से रिसीव हुआ था. दिस इज़ ऑन हाइप स्टोर एज वेल. सो इसका जो हाइप स्टोर प्राइस है वो 699 है. अभी मिल रहा है 594 का और डिस्काउंट एंड ऑल लगा के आई थिंक ये आपको 450 या 500 समथिंग का पड़ेगा, विच इज़ रियली गुड बिकॉज जो अच्छे प्योर वाले रोज़ वाटर आते हैं वो इसी प्राइस पॉइंट के आते हैं. सो अगर 500-400 इज नॉट अ बजट इशू फॉर यू, आई वुड सजेस्ट कामा आयुर्वेदा या जो फॉरेस्ट एसेंशियल के आते हैं उससे बेटर ये वाला है. ये ट्राई करो, यू विल लव इट. एंड फाइनली वी आर सेटिंग स्प्रेस. कितना भी हैवी मेकअप कर लो या लाइट मेकअप कर लो, ऑयली स्किन है, स्वेट तो निकलेगा ही, हल्का फुल्का मेकअप तो हिलेगा ही. सो सेटिंग स्प्रे तो आपको चाहिए ही चाहिए. आई थिंक अगर आप बेसिक या फिर हल्का फुल्का मेकअप भी करते हो ना, उसको भी गर्मी में सेट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज स्किन बहुत ज़्यादा ग्रीसी ग्रीसी हो जाती है. सो ये तीन मेरे करंट फेवरेट हैं. सबसे पहले मैं शेयर करती हूँ ये वाला जो अफोर्डेबल है, सबसे सस्ता इन तीनों में से, वो है ये मेबेलिन का लास्टिंग फिक्स मेकअप सेटिंग स्प्रे. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये काफ़ी पहले ही मैं अपने ट्यूटोरियल्स में बहुत बार दिखा चुकी हूँ. ये मेकअप सेटिंग स्प्रे मैट फिनिश का. सो गर्मी में आपको क्या करना है, आपको मैट फिनिश का स्प्रे लेना है. मेकअप सेटिंग स्प्रे दो तरह के आते हैं, एक होता है मैट फिनिश, एक होता है ड्यूई. ड्यूई होता है हल्का सा एक ग्लॉसी फिनिश के लिए, वो आप ले सकते हो. अगर आपको वेडिंग या पार्टीज में जाना, आपको हल्का सा एक शाइनी फिनिश चाहिए, तब आप ले सकते हो. बट गर्मियों के लिए ना मुझे मैट फिनिश ज़्यादा अच्छा लगता है. सो ये अफोर्डेबल काफ़ी है. ये मैंने अमेजोन से लिया था, काफ़ी अच्छे प्राइस पे आपको मिल जाता है. द ओनली थिंग इज इसकी मिस्ट इतनी फाइन नहीं है, सो थोड़ा सा इसको आपको डिस्टेंस से लगाना होता है, अदरवाइज थोड़ा गीला गीला हो जाता है. बट अफोर्डेबिलिटी में वेरी वेरी नाइस. स्किन पिक जो मुझे अपने बैग्स में रखना काफ़ी पसंद है बिकॉज का साइज जो है वो छोटू सा है. मैंने अपने ट्रैवल मेकअप लुक में भी यही दिखाया था. सो ये मैक का प्रेप प्लस प्राइम, ये क्यों एक टंग ट्विस्टर बन जाता है, मैक प्रेप प्लस प्राइम फिक्स प्लस फिक्सिंग स्प्रे आता है. ये बिल्कुल एक मिनी वाला वर्जन है उसका. सो उसको अपने बैग्स में भी रख सकते हो. ये स्प्रे फॉर्म में आता है, बाय द वे वेरी वेरी कन्वीनियंट टू अप्लाई. और जब ये खत्म हो जाएगा ना, मैं इसको अपने दूसरे वाले से फिल कर लूँगी बिकॉज यहाँ से खुल जाता है. सो रीयूजेबल भी है, वेरी नाइस. आई थिंक मैक का फिक्स प्लस तो ऑब्वियसली सबको पता है, बहुत अच्छा है. आप इसको एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो, लाइक फेस पे स्प्रे कर लिया फिर आप मेकअप बिगिन कर सकते हो, या फिर लास्ट स्टेप में भी यूज़ कर सकते हो टू जस्ट सेट योर फेस. दोनों केस में बहुत अच्छे से वर्क करता है. दिस इज नॉट एक्सट्रीमली मैट फिनिश, बस की जो एक फिनिश है ना वो अच्छी है. मतलब ये डूई और मैट के बीच की फिनिश है. सो या रियली नाइस. एंड देन द प्रोफेशनल लेवल वाला सेटिंग स्प्रे जो आप बोल सकते हो, फॉरएवर 52 का, ये मेकअप फिक्सर. ये भी लॉन्ग लास्टिंग मैट फिनिश देता है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. एकदम डिओड्रेंट जैसी बॉटल है इसकी, बट ये डिओड्रेंट नहीं है, ये सेटिंग स्प्रे है. यू जस्ट हैव टू शेक इट रियली वेल एंड देन स्प्रे. और इसका बहुत फाइन स्प्रे आता है, मतलब आपको स्क्रीन पर दिख भी नहीं रहा होगा, बट या कैन यू सी कितना फाइन इसका स्प्रे है. ये भी प्रोफेशनल यूज़ के लिए, अगर आप हैवी ब्राइडल मेकअप करना चाहते हो, पार्टी मेकअप, फंक्शन मेकअप करना चाहते हो, ये उस टाइप का स्प्रे है बिकॉज ये बहुत अच्छे एकदम हाई डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ फिनिश देता है. सो ये अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, बिकॉज इसका प्राइस हल्का सा ज़्यादा है, आई थिंक दिस इज़ फॉर 1249, लेकिन हाई पे अमेजोन पे आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट पे मिल जाएगा. मैं नीचे मेंशन कर दूंगी जहाँ पे भी डिस्काउंट अवेलेबल होंगे. सो या दीज थ्री आर माई पर्सनल पिक. और इसकी स्मेल थोड़ी सी मेडिकल वाली है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ. इसकी वो प्लीजिंग वाली खुशबू
भुनी है हल्का सा, इसका वो फर्स्ट एड वाली स्मेल आती है, तो उससे अगर आप टॉलरेट कर सकते हो तो दिस इज रियली नाइस. दिस माय समर फेवरेट्स आर ओवर. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपका कौन सा समर फेवरेट है ऑयली एक्ने प्रोन स्किन कैटेगरी में. मैं हमेशा कहती हूँ कमेंट सेक्शन को भी यूजफुल बनाऊँ. आफ्टर रियली लॉन्ग टाइम आई डिड अ फेवरेट काइंड ऑफ वीडियो. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. इन सबके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना. जो भी डील डिस्काउंट होंगे मैं सब कुछ नीचे मेंशन कर दूंगी. एंड या दैट इज अ टुडेज वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. ऑल्सो आई विल बी सुपर बिजी इन कमिंग वीक्स बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन माई लाइफ. तो अभी मैं ज़्यादा कंसिस्टेंट वाली वीडियोज ही बना पाऊंगी, बट मेक श्योर यू आर हुक टू माई चैनल. शॉर्ट्स के फॉर्म में मैं कुछ ना कुछ अपलोड करती रहूंगी. आप मेरी प्रीवियस वीडियोज भी देख सकते हो. रिसेंटली मैंने काफी सारी वीडियोज अपलोड करी, यू कैन वॉच देम एज वेल. एंड दैट इज अ टुडेज वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.